we are going to learn English, Maths and Science in a very interesting and fun manner. So what are we waiting for? Let's get into the video. The topic of discussion is factors and multiples. Let us first try to understand ki factors kya hote hain. So factors are basically numbers which can be multiplied to another numbers to create a greater number. यानी कि फैक्टर्स कुछ ऐसे नंबर हैं जिनमें अगर हम कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बड़ा नंबर हमें मिलता है और ये दोनों ही नंबर्स उस बड़े नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। Let us try to understand it with an example. For example, मेरे पास एक नंबर है 30, ठीक है? अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें मैं दूसरा कोई नंबर मल्टीप्लाई करके 30 क्रिएट कर सकती हूँ? तो सबसे पहले तो आता है 1 × 30, दूसरा हो सकता है 2 × 15, तीसरा हो सकता है 3 × 10, फिर हो सकता है 5 × 6 और साथ ही में इसके रिवर्स यानी कि 6 × 5 भी, 10 × 3, 15 × 2 एंड 30 × 1. सो वी कैन से दैट 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30, क्योंकि उनमें दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करके हम 30 बना सकते हैं। या इजी लैंग्वेज में हम बात करने की कोशिश करें तो वो सभी नंबर्स जिनके टेबल में 30 आता है वो सभी 30 के फैक्टर्स हैं। हमने देखा कि 30 को तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या सभी नंबर के इतने सारे फैक्टर्स होना जरूरी है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 2 can only be written as 1 × 2 or 2 × 1. तो हम ये कह सकते हैं कि 2 के पास तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 and 2 itself. तो इसके बेसिस पे हम नंबर्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्राइम नंबर्स और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर्स। Try to understand what prime numbers are. तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। जैसे हमने अभी 2 का एग्जांपल लिया, 2 के पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद यानी कि 2। वैसे ही 5 के पास भी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड वो खुद यानी कि 5। वैसे ही 13 के पास भी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद यानी कि 13। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स किसी भी और नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए इनको प्राइम या इम्पोर्टेंट नंबर्स कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 1 और खुद के अलावा भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ 30, 30 के पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 इतने सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए वो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट यानी कि ढेर सारी चीजों से बना हुआ, ठीक है? कॉम्पोजिट नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स से बनाए जा सकते हैं। दे आर मेड ऑफ और कंपोज्ड ऑफ प्राइम नंबर्स एंड इसीलिए उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है 2 का। 2 के पास क्योंकि 1 और 2 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इट इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम इन नेचर, ठीक है? इसके अलावा ऑल द नंबर्स एंडिंग इन 5 आर आल्सो कंपोजिट नंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 5 इटसेल्फ, क्योंकि ऐसे सारे नंबर्स जो 5 में एंड होते हैं वो 5 के फैक्टर्स कहलाए जाते हैं, लेकिन 5 के पास सिर्फ दो फैक्टर्स है, वो है 1 और 5, इसलिए 5 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। लेकिन बाकी के सारे नंबर्स जो 5 में एंड होते हैं यानी कि जिनका यूनिट प्लेस में डिजिट 5 है, वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। बात करते हैं हम 1 की, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन व्हिच इज मल्टीपल्स, ठीक है? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हम एक नंबर में ढेर सारे अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सीधी सी बात है, हमें ढेर सारे नए नंबर्स मिलेंगे। ये सारे ही नंबर्स जो हमें अब मिले हैं वो सभी हमारे ओरिजिनल नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं 30,
30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ढेर सारे डिफरेंट नंबर्स से, जैसे कि 31 जा होता है 30, 32 जा होता है 60, 33 जा होता है 90, 34 जा होता है 120, 35 जा होता है 150। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम 30 को ढेर सारे अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दूसरे सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। ये सारे के सारे बेसिकली 30 के मल्टीपल्स हैं। सो मल्टीपल्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो एक नंबर में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन हुए थे, यानी कि बेसिकली उसका टेबल लिख दोगे तो वही उसके मल्टीपल्स हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका ये हो सकता है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो उसका मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 180 को 30 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक होल नंबर मिलता है विद जीरो एज द रिमाइंडर, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 180 इज द मल्टीपल ऑफ 30। टुडेज वीडियो, अगर आपको इससे सीखने में मजा आया हो तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाजू में एक छोटा सा बेल का आइकन है, वो भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही में अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा नहीं लगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके बताइए कि मैं क्या करके अपना कॉन्टेंट इम्प्रूव कर सकती हूँ।